हिस्ट्री सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ब्लडी वॉर्स, राजा महाराजा की कहानियाँ, बड़े बड़े एम्पायर्स की बनने और टूटने की स्टोरीज, और इन सब के टाइम स्केल को याद करने की प्रॉब्लम। लेकिन क्या आपने कभी हमारे अपने प्यारे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है क्या? अर्थ की हिस्ट्री नहीं सुना है कभी? अर्थ ओरिजिनेट कैसे हुई और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? आखिरकार इसके एग्जिस्टेंस में आने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? ये सारे सवालों के जवाब हमें अर्थ के हिस्ट्री से ही मिल सकती है, और इस वीडियो में आज हम वो सभी हिस्से कवर करेंगे। इस वीडियो में हम अर्थ की फॉर्मेशन से लेकर अब तक के अर्थ के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर्स में हुए मेजर चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री की तरह ही अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम डिफरेंट पीरियड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अर्थ के मिलियंस ऑफ ईयर्स के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने के लिए हम GTS यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल रिफर करते हैं। अर्थ की बनने की हिस्ट्री इतनी लंबी है कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसे हम कई तरह की टाइम यूनिट्स का यूज करके स्टडी करते हैं। इनमें सबसे मेजर है इओन। इओन का यूज हम एक बहुत लंबे टाइम पीरियड को रिफर करने के लिए करते हैं। साथ ही हर एक इओन को सब्सिक्वेंटली इराज में डिवाइड किया जाता है, जो रिलेटिवली छोटा पीरियड होता है। इरा को फिर हम अपने कन्वीनियंस के लिए पीरियड्स और फिर इपोक्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ के इस हिस्ट्री को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 इओन्स में क्लासिफाई करते हैं, जिनका नाम है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक इओन। अर्थ के फर्स्ट 3 इओन्स मतलब कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक को कलेक्टिवली प्री कैम्ब्रियन सुपर इओन भी कहा जाता है। ये प्री कैम्ब्रियन सुपर इओन अर्थ की हिस्ट्री में एक हार्श और वॉयलेंट टाइम था। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा ये अर्थ बना कैसे? कौन से वो फैक्टर्स या इंसिडेंट थे जिसके वजह से ये अर्थ एग्जिस्टेंस में आया? जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अर्थ के प्रेजेंट फॉर्म को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं, लेकिन अगर ओरिजिन की बात की जाए तो कई सारे साइंटिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट ने अर्थ के ओरिजिन को लेकर कई सारी थ्योरीज प्रोपाउंड की है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा एविडेंसेस बिग बैंग थ्योरी में पाए गए हैं, और इससे अर्थ के ओरिजिन के लिए एक्सेप्टेबल थ्योरी मान लिया गया है। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि आज से करीब 14 बिलियन साल पहले हमारा यूनिवर्स एक सिंगुलर पॉइंट में इनफाइनाइटली स्मॉल रूप से कंडेंस्ड फॉर्म में था। अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और पूरी यूनिवर्स छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई, और ये टुकड़े यानी कि प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एट्सेट्रा, ये दूसरे से दूर होने लगे, जो आज भी जारी है। और इस तरह अर्थ के साथ साथ और भी प्लैनेट्स और दूसरे प्लैनेटरी बॉडीज एग्जिस्टेंस में आए। अर्थ की ओरिजिन से रिलेटेड ये बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लिमेटर द्वारा 1927 में प्रोपाउंड किया गया था। बिग बैंग के बाद के पीरियड में अर्थ धीरे धीरे इवॉल्व होने लगी, और डिफरेंट चेंजेस के कारण इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए। अर्थ के इवोल्यूशन टाइम स्केल में सबसे पहले पीरियड है हेडियन इओन, जो आज से लगभग 4000 से लेकर 4540 मिलियंस साल पहले का समय काल था। या इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ पर लाइफ के एविडेंसेस पाए जाने से पहले के टाइम पीरियड को हेडियन इओन के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड में अर्थ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हॉट हुआ करता था, और फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स के वजह से अर्थ के ज़्यादातर पार्ट मोल्डन स्टेट में होते थे। साथ ही एक्सट्रीम वोल्केनिज्म और शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थी। ये भी माना जाता है कि इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान हेवी बम्बार्डमेंट से मून का फॉर्मेशन हुआ। इस इंसिडेंट में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स का एक जायंट समूह इनर सोलर सर्कल वाले प्लैनेट्स जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स से जा टकराया, जिससे मून का फॉर्मेशन हुआ। इस पीरियड की एक बात गौर करने वाली ये भी है कि इस अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग ना के बराबर थी। हालांकि समय के साथ साथ अर्थ ठंडी होती गई, जिससे अर्थ के क्रस्ट का निर्माण हुआ। इससे लार्ज स्केल पर वोलेटाइल्स बने, जो प्रोबेबली आगे चलकर CO2 की एक मोटी एटमॉस्फेरिक परत में कन्वर्ट हुए, और इसके बाद ये लेयर हाइड्रोजन और वाटर वेपर में बदल गई।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय अर्थ की सरफेस टेम्परेचर लगभग 230 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी लिक्विड ओशनिक वाटर एग्जिस्ट करते थे। हेडियन इरा के बाद के इरा को आर्कियन इओन कहा जाता है और इसे बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से भी मार्क किया जाता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो उस पीरियड में ऑक्सीजन की कमी थी। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज की तुलना में लगभग 10 से 100 गुना ज्यादा हुआ करता था। साथ ही आर्कियन इओन आते आते अर्थ का क्रस्ट इतना कूल हो चुका था कि कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन शुरू हो गए और इसी वजह से अर्थ के सरफेस पर ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन आर्कियन रॉक है, जिसका निर्माण आर्कियन इओन में हुआ था और ये रॉक में सबसे पहले फॉर्म होने वाली रॉक सिस्टम थी। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट्स में आज भी आर्कियन रॉक का प्रेजेंस दिखता है। इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी भी आज के समय से कंसिडरेबली ज्यादा थी, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में वॉल्केनिक लावा अर्थ के सरफेस पर आए। इस पीरियड में वाटर प्रेजेंट था और डीप ओशनिक बेसिन्स भी एग्जिस्ट करते थे। इस इयोन में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ओशनिक वाटर काफी ज्यादा एसिडिक हुआ करता था। इस इयोन के एंड में आते आते टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज भी शुरू हो चुकी थी। आर्कियन इयोन के बाद अब हम बात कर रहे हैं प्री क्रैम्बियन सुपर इयोन के लास्ट इयोन यानी प्रोटेरोजोइक इयोन के बारे में। ये पीरियड आज से 2.5 बिलियन साल पहले का समय था। ये पीरियड वो टाइम स्पैन है जहां अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ जैसे कि कोरल्स के प्रोलिफरेशन से जस्ट पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन शुरू हो गया था। प्रोटेरोजोइक इयोन में बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिससे अर्थ पर लिविंग बींग्स फॉर्म होने लगे और नतीजन सॉफ्ट बॉडीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस इमर्ज हुए। इन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यू मतलब ट्रू और कैरिया मतलब न्यूक्लियस। साथ ही फंगी के अर्लियर फॉर्म्स का फॉर्मेशन भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। माना जाता है कि इस इयोन के अर्ली और लेट फेजेस में ऐसा समय भी आया जहां अर्थ बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर चला गया और अर्थ पर एक्सटेंसिव ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन देखने को मिलता है, जिसके नतीजन सी लेवल्स में काफी चेंजेस दिखे। इसके अलावा अर्थ की हिस्ट्री के ये पीरियड टेक्टोनिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। जियोलॉजिस्ट के अनुसार 43% मॉडर्न कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्रोटेरोजोइक इयोन में, 39% आर्कियन इयोन में और सिर्फ 18% फिनेरोजोइक इयोन में फॉर्म हुआ था। लेट प्रोटेरोजोइक इरा में डोमिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का एग्जिस्टेंस हुआ करता था। साथ ही इसी प्रोटेरोजोइक इयोन में एक लिविंग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और उनके होस्ट के बीच में पहला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इवॉल्व हुआ था। प्रोटेरोजोइक इयोन के बाद शुरू होता है फेनेरोजोइक इयोन, जो अभी का करंट इयोन है। इसका टाइम स्केल आज से 540 मिलियंस ईयर्स पहले शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। ये वही टाइम पीरियड है जब अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लिविंग बींग्स इवॉल्व हुए और डाइवर्सिफाई करते हुए डिफरेंट नीश में सेटल हो गए। इसके अलावा इसी पीरियड में पैंजिया का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बाइसेक्ट हो गया। और इस तरह इस इयोन में ग्रेजुअली लैंड पर लाइफ का एक्सपेंशन शुरू हुआ और सारे फैमिलियर फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स और फंगी अपीयर और इवॉल्व होना शुरू हुए। साथ ही इस पीरियड में बर्ड्स, डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स और मोस्ट रिसेंटली मैमल्स भी इमर्ज हुए। और अगर मॉडर्न लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस की बात करें तो वो भी इस इयोन के मोस्ट रीसेंट फेज यानी आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं। फेनेरोजोइक इयोन को फर्दर 3 इराज में डिवाइड किया गया है, जिसे पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक इरा के नाम से जाना जाता है और इन्हें फर्दर 12 पीरियड्स में सब डिवाइड किया गया है। पैलियोजोइक इरा को एर्थ्रोपॉड्स, एम्फीबियंस, फिशेस और फर्स्ट लाइफ ऑन लैंड का इरा माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेसोजोइक वो इरा है जब रेप्टाइल इवॉल्व होते हैं, नॉन एवियन डायनासोर्स का क्लाइमेटिक एक्सटेंशन और मैमल्स और बर्ड्स का इवोल्यूशन भी इसी इरा में माना जाता है। और लास्टली सेनोजोइक इरा में हमें मैमल्स के इवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन हमारे अर्थ के इवोल्यूशन हिस्ट्री के बारे में। आशा करते हैं कि ये आपको काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।